चैप्टर फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये एक ट्रिप है जो कि पहेली और पूजो अपने प्रोफेसर के साथ गए हैं, तो वो जो ट्रिप पर गए हैं उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं, जिसकी मदद से हम फॉरेस्ट को जान रहे हैं, है ना। तो चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हम, लेट स्टार्ट। प्रोफेसर अहमद asked the children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. अब प्रोफेसर अहमद बच्चों से क्या कहते हैं, प्रोफेसर अहमद बच्चों से कहते हैं कि बच्चों जो फॉरेस्ट की ज़मीन है उसमें से एक पत्ती उठाओ और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो। दे फाउंड टिनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। उन्होंने उन्हें क्या मिला, उन्हें बहुत छोटे छोटे मशरूम्स मिले। मशरूम्स देखो इस साइज़ के भी होते हैं और बहुत छोटे छोटे साइज़ के भी होते हैं, जो कि सड़ी हुई लीव्स पर थे। दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टिनी इंसेक्ट्स। अब उन्होंने कई सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे, मिलीपेड्स देखे। मिलीपेड्स क्या होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम कनखजूरा, है ना। देखो इसको मिलीपेड्स कहते हैं। अच्छा, आंट्स चीटियाँ देखी एंड बीटल ऑन देम। लीव्स पर कहीं चीटियाँ लगी हुई थी, कहीं पर कुछ बीटल्स लगे हुए थे, ठीक है। कई सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो लीव्स के आसपास थे और कुछ मशरूम्स भी थे जिनके बारे में भी आपको बताया। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर ईजीली सीन, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सॉइल। अब प्रोफेसर अहमद उन्हें समझाते हैं कि इसके अलावा, इन जानवरों के अलावा भी कई और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपनी आँखों से दिखते ही नहीं हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल में ही रहते हैं। पहेली वोंडर्ड, पहेली ने सोचा वॉट मशरूम एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ईट, तो ये खाते क्या होंगे, कुछ ना कुछ तो खाते होंगे ना, जो मशरूम्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या खाते होंगे। देखो प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर सबस्टेंस कॉल्ड द ह्यूमस। प्रोफेसर अहमद ने जवाब दिया उनको कि वो डेड प्लांट्स खाते हैं, यानी जो प्लांट्स मर जाते हैं उन्हें खा लेते हैं, जो जानवर मर जाते हैं उन्हें खा लेते हैं, ठीक है। कौन खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मशरूम्स, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स को खा लेते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको, और जो लीव्स मर जाती हैं उनको खा लेते हैं और उनको एक डार्क कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमस। अब ह्यूमस जो शब्द है वो आपके लिए नया नहीं है, क्यों आपको पता है, आप अपनी साइंस की बुक में जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें आपने ह्यूमस के बारे में पढ़ा था, याद है जब हमने सॉइल पढ़ा था तो हमने आपको बताया था ह्यूमस सॉइल की वो अपर वाली लेयर होती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इस ह्यूमस का जो मेन काम होता है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आगे समझेंगे बच्चों। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9, जब हमने सॉइल पढ़ा था, है ना। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, सॉइल की लेयर थी उसे हमने ह्यूमस कहा था। वॉट इज इट्स इम्पॉर्टेंस टू द सॉइल, इसकी सॉइल में क्या ज़रूरत होती है, इसकी सॉइल में सबसे ज़्यादा बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये सॉइल को फर्टाइल बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, ये सॉइल को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। बात समझ में आ रही है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स इन एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। और ऐसे छोटे छोटे जीव जो कि जो सड़ा हुआ प्लांट है, सड़े हुए एनिमल्स हैं, उसको ह्यूमस में बदल देते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। बात समझ में आई, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट
कर देते हैं। समझ में आया? अच्छा, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। अब इनकी भी बहुत बड़ी महत्वता होती है, ये भी अपना रोल प्ले करते हैं, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट में। ठीक, उन पहली रिमूव्ड सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। अब पहेली ने क्या किया, कुछ पत्तियां हटाई वहां से और फिर उसने फॉरेस्ट की जो जमीन है उसको बड़े ध्यान से देखा। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू सॉइल। और सॉइल में ह्यूमस का होना, मिट्टी में ह्यूमस का होना इस बात को बताता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड प्लांट्स यानी मरे हुए प्लांट्स और मरे हुए एनिमल्स में, वो सॉइल में चले गए। बात समझ में आई? जो भी न्यूट्रिएंट्स डेड प्लांट्स में और एनिमल्स में होते हैं वो ह्यूमस में चले जाते हैं। और इस बात की पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं, उसमें ह्यूमस को देखकर। From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. और इससे क्या, इसके बाद क्या होता है, इन nutrients को फिर से absorb कर लिया जाता है plants के द्वारा। What happens if an animal dies in the forest? सवाल तो अच्छा है। अगर कोई जानवर forest में मर जाए तो फिर उसके साथ क्या होता है, एनिमल की डेड बॉडी का क्या होता है? शीला आस्क्ड, शीला ने पूछा। अच्छा, टीबू रिप्लाइड, द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स, क्रोस, जैकल्स एंड इंसेक्ट्स। अब टीबू ने भी बहुत सही आंसर दिया कि जब कोई जानवर फॉरेस्ट में मर जाता है तो फिर जो वल्चर्स होते हैं, क्रोज होते हैं, जैकल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डेड एनिमल को खा लेते हैं। समझ में आया? आगे देखो। और इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड, और इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल्ड हो जाते हैं एक के बाद एक। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट, तो फिर फॉरेस्ट में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। फॉरेस्ट की कहानी अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग है। बात समझ में आ रही है? यहाँ का हर एक 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 पार्ट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड व्हाई फॉरेस्ट आर ग्रीन लंग्स। अब पहेली ने प्रोफेसर को याद दिलाया कि आपने ये तो समझाया ही नहीं कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद उन्हें समझाते हैं, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो उनसे कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और वो ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज कर रहे हैं उसको एनिमल रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, इसीलिए ये हमारे लिए एक तरह से ग्रीन लंग्स का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले तो ग्रीन कलर के हैं, है ना, और ग्रीन कलर के हैं और साथ में हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, है, और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इनके लिए, इनसे, तो ये हमारे लिए ग्रीन लंग्स हो गए। द प्लांट हेल्प्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन, दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। और ये साथ के साथ जो पूरा हमारा एटमोसफेयर है उधर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करते हैं, उनकी क्वांटिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? आप इसका आंसर ज़रूर फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए, दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, इसीलिए हम फॉरेस्ट को लंग्स कहते हैं। पहेली रिमाइंडेड देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन द चैप्टर वन। और पहेली को भी याद आया कि हाँ, हमने चैप्टर वन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाने के लिए सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और जब उनका खाना बन जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, और उस ऑक्सीजन
से हम रेस्पिरेशन करते हैं और ये हमारे लिए एक तरह से ग्रीन लंग्स हैं। क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, देखिए बच्चों, ये सिंपल सा आपको एक डायग्राम दिखाया गया है फॉरेस्ट का। ये डिकम्पोजर्स होते हैं और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और ये पूरी सॉइल, ठीक। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। सिंपल है ना, तो ये फॉरेस्ट की एक पिक्चर आपके सामने है। आगे देखिए बच्चों, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इनके बीच में एक साइकिल चलती है। कैसी साइकिल? अरे बहुत सिंपल है, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, ठीक है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब बच्चों ध्यान से सोचिएगा, अगर प्लांट्स कम होते जाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स दे रहे हैं ना, एनिमल्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आता है। बात समझ में आ रही है? एनिमल्स में ये मत समझना कि जानवर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, भाई हम भी करते हैं। ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो एन एनिमल, एक तरह का एनिमल है जिसे हम साइंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एनिमल्स के भी सब डिविजन्स होते हैं, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। अब एनिमल्स में बच्चों, अगर एनिमल्स की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी और प्लांट की जनसंख्या लगातार घटती जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ेगी बट ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटेगी। बात समझ में आई? ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, ठीक है। तो जो रिमेनिंग प्लांट्स होंगे उन पर इतना असर नहीं पड़ेगा, बट जो एनिमल्स है उन पर बड़ा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी उन्हें, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जंगल उजाड़ दिए और अपनी फैक्ट्री खड़ी कर ली। तो कर लो, कितनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करोगे आप? फैक्ट्री से ऑक्सीजन थोड़ी ना बना लोगे। ऐसे जो नेचुरल ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है वो ऑक्सीजन केमिकल्स के द्वारा इफेक्टिवली काम नहीं करती। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो इसीलिए ग्रो मोर ट्रीज और जो पेड़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कम से कम काटा जाए, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट और हम और साथ में ट्रीज सब सेफ रहेंगे। आगे देखिए, द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। जो बच्चे हैं वो बादल बनते हुए देख रहे हैं आसमान में। पूजो रिकॉल्ड वॉट ही हैड लर्नड अबाउट द वॉटर साइकिल इन क्लास 6। अब पूजो याद करता है कि उसने क्या पढ़ा था वॉटर साइकिल में 6th क्लास में, आपको याद है? अरे इससे पहले चैप्टर में ही हमने आपको वॉटर साइकिल बताई थी। ट्रीज टेक इन वॉटर फ्रॉम देयर रूट्स। जो पेड़ हैं वो पानी ले लेते हैं कहाँ से? अपनी जड़ों से। एंड रिलीज वाटर वेपर इन टू द एयर थ्रू द इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन का मतलब क्या है? जो छोटी छोटी बूंदें हैं लीव्स पर वो इवेपोरेट हो जाती हैं, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं हवा में। इफ देयर वर फ्यूअर ट्रीज, अगर ट्रीज जो होंगे वो कम होंगे, हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड? इससे वाटर साइकिल कैसे प्रभावित होगी? तो इसका असर कई तरह से हो सकता है, जैसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की हेल्प से जो कुछ पानी होता था लीव्स में, जो एक्स्ट्रा वाटर होता था वो एटमॉस्फेयर में चला जाता था और इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू और बादलों तक पहुंच जाता था, है ना। अच्छा, दूसरा असर क्या होगा? दूसरा वाटर साइकिल पर ऐसे असर हो सकता है कि जो वाटर है, जो ग्राउंड में वाटर है, ठीक है, उसको ट्रैप करके रखता है। कौन ट्रैप करके रखता है? ट्रीज ट्रैप करके रखते हैं, तो इससे भी वाटर साइकिल पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, टीबू टोल्ड देम दैट फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। अब टीबू बताता है कि जो जंगल है ना वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सिर्फ घर नहीं है, बल्कि कुछ लोग जो हैं, कुछ इंसान जो हैं वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, वो अलग अलग तरीके के कस्बों से हो सकते हैं।
टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। अब वो उन्हें समझाता है कि ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं, जंगलों पर डिपेंड रहते हैं, और जो जंगल हैं वो उन्हें खाना देती है, शेल्टर देती है, रहने की जगह देती है, और साथ में इन्हें पानी और मेडिसिंस भी प्रोवाइड करती है। तो ये जंगल में ये जो लोग रहते हैं इनकी पूरी आजीविका जो है वो पूरी तरह से जंगल पर डिपेंड है। इन्हें खाना भी वहीं से मिलता है, ठीक है, रहने की जगह भी वहीं से, पानी भी वहीं से, और अगर ये बीमार पड़ जाएं तो दवाई भी जंगलों से मिलती है। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट, और इनके पास बहुत ज़्यादा पुरानी जो जानकारी है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी जो पहले, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब पुरानी जानकारी से नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब यहाँ पर इससे है कि जो पहले के लोग होते थे ना, वो पत्तियों से मेडिसिंस बनाते थे, है ना, पत्तियों से मेडिसिंस बनाते थे। तो इस तरह के जो लोग थे, तो उन इस तरह के लोगों के पास जो नॉलेज थी ना, तो जो बहुत पहले से नॉलेज चली आ रही है, तो वो नॉलेज भी इनके पास है, वो जानकारी भी इनके पास है। पुरानी जानकारी का मतलब ये नहीं है कि ये पिछड़े हैं, ये मेडिसिंस के मामले में पिछड़े हैं। पुरानी जानकारी यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब ये नहीं है, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब ये है कि जो काफ़ी टाइम्स पहले से जो चली आ रही है। जो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग टैबलेट नहीं खाते थे, पहले लोग क्या करते थे, वो लोग जंगलों की जो लीव्स हैं उनका इस्तेमाल करते थे, उनको पीस के खा लेते थे, है ना। तो कई सारे तरीके थे उनको मेडिसिन बनाने के, और ऐसे जो लोग हैं इनको मेडिसिनल प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग जंगलों के आसपास ही रहते हैं, है ना। वाइल पूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्टीम, जब जो भूजो है वो एक छोटी सी लहर से पानी पी रहा था, ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्टीम, उसने देखा कि कुछ हिरन है वो वहाँ से पास हुए, और साथ में एकदम से गायब हो गए, डिसअपीयर्ड इनटू बशेस। बशेस क्या है, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना उनमें जाकर छुप गए, ठीक है। द डेंस बशेस एंड टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल विथ फूड एंड शेल्टर, और जो घनावने वशिष होती हैं वो उनको रहने की जगह और खाना प्रोवाइड करती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम दैम कार्निवोर्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, ये उन्हें साथ में जो जंगल में रहने वाले कार्निवोर्स हैं उनसे भी इनकी सुरक्षा करती है, ठीक है। तो बच्चों, इसके आगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।